वो यहीं पर रहेगी। रह नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं खाली हाथ जोड़ू भगवान के लिए, अपने ससुराल चली जा। इसकी बात तो मेरा कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो आप हमारे परिवार के मसले में दखल दे रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। गुड़िया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हैं। किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, मेरे माथे पर ना बैठ, समझी? मेरा सयानी हो चुकी है बहुत उम्र लिए, चल। अरे नहीं ला सकती, या कौन ऐसे कैसे ला सकते? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजवा। बीच में ना बस बच्चे को भी है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ऐसे काम तुम्हारे जैसे काम नहीं कर सकते। क्या सगाई इसको? दिखाइए, बाप रे हम तो डर गए। ये हमारा काम है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल बंद करो नाटक। अब तक कितनी ठीक तो है जी? तुझे पता है ना बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, और इसकी सजा जरूर होगी। चल चल चल। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा।